अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं कुकनोलॉजी और एक नई डिश के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बेकरी स्टाइल की स्टफ्ड चिकन ब्रेड। ओवन और ओवन के बगैर दोनों बनाऊंगी। आधा कप पानी में एक खाने का चम्मच ड्राई यीस्ट, डेढ़ चाय का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करके मिक्स करके रख दिया। एक बाउल में 2 कप मैदा लिया, ड्राई यीस्ट एक्टिवेट हो चुका है ऐड किया। अच्छे तरीके से गूंद के अच्छा सा डो तैयार करना है। अभी मैंने यहाँ पे एक अंडा ऐड किया, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स किया। 3 खाने के चम्मच आएंगे ऑयल। अच्छी तरह से गूंद के परफेक्ट डो तैयार कर ली। डो को राइस होने के लिए कवर करके छोड़ दिया। पैन में थोड़ा ऑयल लिया, इसमें ऐड करूंगी चिकन, छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिए। अब इसमें जाएंगे टमाटर और थोड़ी सी वेजिटेबल, मेरे पास बंद गोभी और शिमला मिर्च है और गाजर है थोड़ी, ऐड की थोड़ा फ्राई किया। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड की, थोड़ा कुक किया। और अब इसमें ऐड करूँगी 5 खाने के चम्मच मायोनीज। अच्छे से मिक्स किया, बस ये स्टफिंग रेडी है। अभी डो राइज हो चुकी है, देखें इसका मैंने एक छोटा सा पेड़ा बनाया और एक छोटी सी रोटी बेल ली जो स्टफिंग तैयार की है चिकन और वेजी की, इसमें ऐड की। ऊपर से मैंने थोड़ी सी चीज़ और साइडों पे थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से पकड़ के इसको गोल गोल शेप बना ली है। अंडा फेंट के ऊपर ब्रश की मदद से लगाया। अभी मैं आइज के लिए 2 ऑलिव लगा दिए और शिमला मिर्च बारीक काट के इसकी स्माइल बना दी है। ऊपर से थोड़े से तिल ऐड किए। देखिए मैंने 4 बना ली स्माइलीज। ऊपर से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ ऐड की। ओवन को 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिए। अब इसमें जाएंगे बिग स्माइली ब्रेड्स, 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। एक थोड़े मोटे पैंदे वाले पैन में नमक ऐड किया इस तरह से और एक आटा छानने वाली छन्नी को इस तरह से उल्टा करके रख दिया ऐसे, और कवर करके इसको भी मैं प्री हीट करूँगी। एक और छोटे से पेड़े से रोटी बेल ली मैंने इस तरह से, इसको साइड से कट किया, स्टफिंग ऐड की, थोड़ी चीज़ ऐड की और ब्रश की मदद से थोड़ा सा पानी लगाया साइड पे। और देखें इस तरह से साइडें अंदर करके अच्छे तरीके से रोल की शेप में प्लेट को ऑयल लगाया, इस तरह से रोल इसमें रखा, अंडा ब्रश किया, थोड़ी सी ऊपर से वेजिटेबल लगाई, थोड़ी सी चीज़। पैन प्री हीट हो चुका है, एहतियात से पैन में रखा और कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत चिकन स्टफ ब्रेड रेडी हो चुकी हैं दोनों, बहुत ही ज़बरदस्त स्माइलीज बनी है। इस तरह से ऊपर से बटर ब्रश किया अच्छे तरीके से, देखें कितनी खूबसूरत और मज़े की स्माइलीज बन के रेडी हो चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।